हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। ये है गुड वाइब्स का टी ट्री फेस वॉश। सॉरी, मेरी फेस वॉश ना ख़त्म ही हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। मैं काफ़ी दिनों से ये फेस वॉश यूज़ करें, आप देख सकते हो क्वान्टिटी कितनी बची है, पर हम इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा फेस वॉश ले लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। गाइस, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, काफ़ी दिन हो चुके, मतलब 3 to 3.5 months से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये जो वीडियो है, ये वाला वीडियो मेरी 3 to 4 months पहले शूट की हुई है। एक्चुअली मैं मेरी 16th of September को मेरी एक एक्सीडेंट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी जो राइट हैंड है वो फ्रैक्चर हो गई थी और मेरी ऑपरेशन भी हुई है। तो जिस वजह से मैं मतलब न्यू कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी चैनल पे आपको वीडियोस भी नहीं देखने को मिल रहे होंगे। सो ये वीडियो मैं फाइनली अभी एडिट कर रही हूँ। नेक्स्ट हम अपनी फेस वॉश को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, एंड आप देख सकते हो ऐसे डैबिंग मोशन पे आपको क्लीन करना है अपनी फेस को। सो एक्चुअली मैं आज की जो वीडियो है उसमें मैं सारी प्रोडक्ट गुड वाइब्स की ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, साथ ही साथ आपकी जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं गुड वाइब्स के, लाइक स्किन केयर जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे पैराबेन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री होते हैं गाइस, तो आपकी स्किन में कोई भी हार्मफुल नहीं होती है। सो हम नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं गुड वाइब्स की ही नीम एंड तुलसी फेस स्क्रब। आप देख सकते हैं कितना क्वांटिटी बची है, मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो प्रोडक्ट है इसकी मैं एक्चुअली मैं अलग से एक वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ, इसके रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड एक्चुअली मैं सारे प्रोडक्ट अच्छे से यूज करती हूँ, उसके बाद इसके रिजल्ट मुझे अगर मुझे पसंद आता है तभी मैं उसके रिव्यू करती हूँ एक्चुअली में। सो मैं इसकी रिव्यू बहुत जल्द करने वाली हूँ। सो आपको अपने फेस में ना सर्कुलर मोशन पे, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको स्क्रब करना है। एंड मैं ना अपनी स्किन के साथ साथ, मतलब फेस के साथ साथ, मैं अपनी लिप्स को भी स्क्रब करती हूँ, क्योंकि गाइस मेरी जो लिप्स है ना वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो जाते हैं लिप्स पे इस वजह से। सो आप देख सकते हो मैं अपनी फेस को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। गाइस आप देख सकते हो मेरी स्किन कितना ज़्यादा फ्रेश एंड हाइड्रेटिंग लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा क्लीन भी हो गई है मेरी स्किन। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो है मास्क, क्योंकि ये गुड वाइब्स की चारकोल फेस मास्क है। ये भी देख सकते हो क्वांटिटी, सारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप देख सकते हो, सारे ख़त्म ही होने वाले हैं। एंड ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ एंड मुझे मतलब रेगुलर ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह जाती हूँ एंड रात को मैं घर लौटती हूँ, एंड इसके वजह से मुझे मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा टैन एंड बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी, मतलब स्किन में बहुत ज़्यादा डर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे मास्क लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड हफ्ते में एक बार तो आपको लगानी ही चाहिए, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 से 2 बार लगा लेती हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं एक ही बार लगा लेती हूँ, लेकिन लगाना ज़रूरी है कोई भी मास्क। एंड ये चारकोल मास्क जो गुड वाइब्स की है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसको 15 to 20 minutes अपनी फेस पर लगानी एंड देन अपनी फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए वाटर से। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है, अपनी स्किन को अच्छे से आपको डैबिंग मोशन में ही क्लीन करना चाहिए टॉवल की हेल्प से। एंड आप देख सकते हो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अपनी फेस को ना ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं करना चाहिए, ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, अच्छे से आपको डैबिंग मोशन में करनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोनर, जो कि गुड वाइब्स के नीम एंड तुलसी टोनर है। आप देख सकते हो ये वाला टोनर मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ एंड इसकी बहुत सारी वेरिएशन भी है मेरे पास, एंड काफ़ी अच्छे होते हैं गाइस, क्वांटिटी भी अच्छी होती है इसके प्रोडक्ट की, एंड मैं क्या बताऊँ इसकी, एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन के साथ एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। एंड ये भी गुड वाइब्स की ही है, एंड सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, और एक बात, गुड वाइब्स के सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपको purple.com पे ही मिलेंगे। सो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लिप बाम, ये गुड वाइब्स की ही मेलन, आई थिंक मेलन फ्लेवर की लिप बाम है। एंड लिप बाम लगाना विंटर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए ही, क्योंकि लिप बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में, तो सोने से पहले आपको रात को लिप बाम लगाना मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
एंड क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। वाइक्स के सारे प्रोडक्ट ना पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री होते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। गाइस नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स की एलोवेरा एंड वाइटामिन ई मॉइस्चराइज़र। एंड इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक डे क्रीम एंड एक नाइट क्रीम। सो एक्चुअली मैं रॉन्गली मैंने डे क्रीम लगा ली है रात के स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि दोनों का बॉटल सेम होते हैं एंड गलती से मेरी डे क्रीम मैंने लगा लिया है। एंड मेरे पास नाइट क्रीम भी है, लेकिन दोनों में से मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, मैंने जब वीडियो एडिटिंग की तब मुझे पता चला। सो कोई बात नहीं। राइट नाउ गाइज आप देख सकते हो मेरी फेस कितना ज़्यादा क्लीन एंड सॉफ्ट एंड प्लम्प लग रही है, यू कैन सी। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का अर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्डन लेव्स। एंड ये जो प्रोडक्ट है मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। एंड फेशियल ऑयल किसी भी आप कभी भी लगा सकते हो, आप चाहे तो कभी मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो। आप क्वांटिटी देख लो, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है, सारे ख़त्म ही हो चुके हैं। मैं जब भी मेकअप करती हूँ, मतलब फाउंडेशन लगाने से पहले भी मैं फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ हमेशा, एंड आपको भी लगाना चाहिए ताकि आपकी जो जितनी भी आपकी फाउंडेशन वगैरह है वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। एंड इसकी मैं 2 to 3 drops अपने फेस पर लगा लूँगी, अच्छे से उसको मसाज करूँगी। एंड मैं अपनी अंडर आई के ऊपर भी, मतलब सर्कुलर मोशन पे मैं उसे अप्लाई करती हूँ, इससे मुझे पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आप भी यूज़ कर सकते हो इसे, एंड देख सकते हो आप कितना ज़्यादा फ्रेश लग रही है मेरी फेस। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का पीच बॉडी लोशन। इसके फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी पसंद है, एंड क्योंकि मैं ऑफिस से आई हूँ एंड उसके बाद मैंने शावर ली, देन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एंड मेरी जो हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही थी, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड या गाइस वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय गाइज़।